तो गाइज हम लोग अभी आ रहे हैं द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन की तरफ से। आप देख सकते हो सामने वो मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ से हम चल रहे हैं अपनी बिल्डिंग की तरफ जो कि C8 भगवती गार्डन नियर बाय द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन। ये देखिए कितनी वाइड रोड है, सभी के साफ़ सुथरे मकान है, एकदम लोकेशन एकदम अच्छी है। अब आ चुके हैं हम अपनी बिल्डिंग की तरफ। यहाँ से हम अभी अपनी गली के अंदर एंटर हुए हैं जो कि काफ़ी चौड़ी सड़क है, ये भी 20 से 25 फिट की। हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम मजेस्टिक होम से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जो कि 2 BHK फ्लैट रहने वाला है हमारा। लोकेशन की बात की जाए तो ये द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नियर बाय रहने वाली है। तो जो डिस्टेंस कवर्ड करती है हमारी ये बिल्डिंग, सिर्फ 200 मीटर डिस्टेंस कवर्ड करती है मेट्रो स्टेशन से। मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको रिव्यू दिखाया था जो कि द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से हमारी साइड तक हम आए थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगने हैं हमको अपनी बिल्डिंग में आने पर अगर हम मेट्रो स्टेशन से। अगर आप मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग भी आना चाहते हो तो ईजिली आप वॉकिंग आ सकते हो, सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। लोग अभी अंदर आ चुके हैं अपने फ्लैट में, तो अभी जो मैं खड़ा हूँ अपने लिविंग रूम में खड़ा हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको इसका फ्लोर प्लान समझा देता हूँ। अभी हम खड़े हैं अपने लिविंग रूम में, ठीक मेरे राइट साइड में एक रूम है और एक मेरे लेफ्ट साइड में रूम है, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये जो विंडो दिख रही है वो विंडो हमारी जो बालकनी एरिया में कवर करती है। ठीक मेरे राइट लेफ्ट साइड में ओपन किचन आती है। अभी हम खड़े हैं अपने लिविंग रूम में जो इसका साइज़ रहने वाला है 10 बाई 10 लिविंग रूम का साइज़ रहने वाला है। आप देख सकते हो नीचे टाइल्स कितनी प्यारी लगा रखी है हमने। एक नज़र ऊपर भी देखिए फॉल सीलिंग पे, कितनी प्यारी फॉल सीलिंग करा रखी है हमने ऊपर ट्रायंगल शेप में, और उसमें स्ट्रीप लाइट्स कॉप लाइट्स ऑलरेडी लगा रखी है। वाइट फिनिश में कितनी प्यारी लुक दे रहा है आप देख सकते हो। ठीक उसी के साथ साथ मेरे बैक में आप देख सकते हो टेक्सचर करा रखा है गोल्डन कलर में जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इस लिविंग एरिए के डिज़ाइन को। मेरे पीछे देख रहे हो आप वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी विंडो दे रखी है, यहाँ पे आपका विंडो एसी इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। ऊपर भी हमने छोटे छोटे विंडो दे रखी हैं, आप अपना एग्जॉस्ट यहाँ लगा सकते हो ऊपर में। यहाँ पे भी हमने 2 डोर दे रखे हैं, एक जाली वाला एक ग्लास वाला। तो आप लोगों ने देखा हमारा ये पूरा लिविंग रूम है, आपका एल टाइप का यहाँ सोफ़ा आराम से आएगा, 8 सीटर सोफ़ा आपका यहाँ ईजिली आ जाएगा। ठीक उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ स्विचेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्विचेस मिल रहे हैं, लाइट्स फैंस ट्यूबलाइट के स्विचेस हैं, और इंटरकॉम की फिटिंग भी आपको दी जाएगी इसमें। वायर हमने ऑलरेडी छोड़ रखी है, जैसे इसमें इंटरकॉम की फिटिंग विद स्क्रीन आपको इसमें दिया जाएगा जो कि नीचे कोई भी बेल प्रेस करेगा तो आपको जो भी कोई भी आपके रिलेटिव्स या कोई भी नेबर्स कोई भी बेल प्रेस करेगा तो आपको वीडियो स्क्रीन हम यहाँ पर लगा के देंगे जिसमें कि वो बंदा या जो भी रिलेटिव्स आपका आएगा वो यहाँ शो होगा, फिर आप उनसे बातचीत करके अगर आप जानते हो तो ईजिली खोल सकते हो। तो हम आ गए हैं अपने ओपन किचन में जो कि लिविंग रूम से ठीक अटैच में है। अभी मैं खड़ा हूँ अपनी किचन में, देख सकते हो आप काफ़ी स्पेशियस है, 3 से 4 लेडीज़ आराम से यहाँ खड़े होकर काम कर सकती हैं। तो मैं सबसे पहले किचन की आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको मिलने वाला है किचन में। ये आपका इधर सिंक एरिया हो गया, इधर ये आप हमने जल बोर्ड टैप दे रखा है, ये समर सीवर का टैप दे रखा है ऑलरेडी, इसमें हमने RO का टैप दे रखा है, आप ईजिली यहाँ से कनेक्ट करके RO आपका यहाँ प्लेस हो जाएगा। इसमें हमने रैक लगा रखा है ऑलरेडी और बीच में यहाँ पे कट दे रखा है, आपका ईजिली यहाँ RO कनेक्ट हो जाएगा जब जिससे कि आप यूज़ कर सके ईजिली। यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा, उसके लिए स्विच बोर्ड ऑलरेडी दे रखा है।
और बात करते हैं वेंटिलेशन के, किचन में भी तो वेंटिलेशन पूरी मिलेगी इसमें भी आपको। यहाँ पे विंडो दे रखी है ऑलरेडी, के लिए आपको मैंने विंडो दिखा दी कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक और इसमें वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि हम आपको इसमें चिमनी लगा के दे रहे हैं। कुछ भी आप यहाँ पे काम करते हो, सीधा आपको बटन प्रेस करना है, सीधा आपका जो भी यहाँ का हीटनेस होगी, धुआं होगा, सीधा बाहर। अभी इसमें क्या है, चिमनी नहीं लगाई है, बाकी हम इसमें आपको चिमनी लगा कर देंगे। तो ये सारे आपने देखे स्विचेस सारे इधर ऑलरेडी दे रखे हैं, एमसीबी दे रखी है, इधर सारे स्विचेस ब्रांडेड हैं। अब दिखाना चाहता हूँ मैं अपने जो किचन में हमारी मॉडुलर किचन है पूरी, इसके मैं आपको चैनल्स दिखाता हूँ। ये देख सकते हो कितने स्मूथ चैनल्स हैं इसके, ये सारे रैक्स हैं आपकी कप जो भी प्लेट्स हैं, छोटी बड़ी जो भी प्लेट्स हैं आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। नीचे भी हमने स्टोरेज के लिए दे रखा है, आप अपने कुछ भी छोटे जो भी बर्तन है वो यहाँ रख सकते हो। वो तो मैंने किचन दिखाया, लिविंग रूम दिखाया, अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फर्स्ट बेडरूम में, जो कि हमारे किचन के ठीक अपोजिट साइड में है। आ गए हैं स्टार्टिंग में ही हम खड़े हैं अपने बेडरूम के एंट्रेंस पे, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर वुडन डोर दे रखा है, बीनियर लगा रखी है इस पर विद पॉलिश, देख सकते हो आप कितनी प्यारी लुक दे रहा है ब्राउन पॉलिश में। तो आइए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आपको रूम के अंदर लेके चलता हूँ। जो गाइस रूम का साइज रहने वाला है, 10x10 का रूम का साइज रहने वाला है। टाइल्स आप देखिए कितनी प्यारी टाइल्स दे रखी हैं, ग्लोसी फिनिश में, क्रीमिश कलर में। उसी के साथ साथ मेरे पीछे आप देख रहे हो वॉल पे जो हमारी मेन वॉल रहने वाली है, टेक्सचर आप देख रहे हो कितना प्यारा पिंक, डार्क पिंक कलर में टेक्सचर दे रखा है। ऊपर आप देख सकते हो फॉल सीलिंग वर्क करा रखा है पूरा, ऊपर आप देख सकते हो पूरा फॉल सीलिंग वर्क करा रखा है पूरा एंड तक, और जिसमें कि हमने कॉप लाइट और स्ट्रिप लाइट ऑलरेडी दे रखी है। ऊपर आपने फॉल सीलिंग देखी कितनी प्यारी फॉल सीलिंग थी, डिफरेंट लुक में। ठीक इसी के साथ साथ सामने वाली वॉल पे आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग मिल जाती है, और स्विचेस ऑलरेडी दे रखे हैं वहाँ पे। यहाँ आप अपनी LED इंस्टॉल कर सकते हो, उसके लिए भी स्विच बोर्ड ऑलरेडी दे रखे हैं। तो बात करते हैं, मास्टर बेडरूम था तो इसका वॉशरूम भी हम दिखाते हैं आपको। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस साइज़ है। ये आपका पॉट एरिया हो गया और इधर आपका बाथिंग एरिया हो गया। डाइवर्टर इसमें दे रखे हैं आपको ब्रांडेड, डार्क फिनिश में, एक ग्लोसी लाइट फिनिश में, कितनी अच्छी लुक दे रहा है। ऊपर लेंटर तक हमने टाइल्स लगा रखी है, देखिए लेंटर तक पूरी एंड टू एंड टाइल्स लगा रखी है। शावर का पॉइंट दे रखा है हमने ऊपर, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ना हो वॉशरूम में, इसके लिए भी हमने यहाँ पे एक विंडो दे रखी है, आप अपना एग्जॉस्ट ईजिली यहाँ भी लगा सकते हो। आप लोगों ने हमारा फर्स्ट बेडरूम देखा, अब मैं लेके चलता हूँ अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। आइए मैं अब खड़ा हूँ अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। आइए, स्टार्टिंग में ही ये हमने वुडन डोर सेम जैसे उसमें था, बीनियर लगा के पॉलिश लगा रखी है, और छोटे छोटे ग्रुप्स दे रखे हैं, तो काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। लॉक भी देख रहे हो आप, काफ़ी ब्रांडेड लॉक लगा रखे हैं हमने, जो कि बहुत ही स्मूथ है। इस हम लोग आ चुके हैं अपने सेकेंड बेडरूम में, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है। इसका जो साइज़ रहने वाला है 12x12 का इसका रूम साइज़ रहने वाला है। नीचे आप देख सकते हो टाइल्स कितनी प्यारी लगा रखी हैं ग्लोसी फिनिश में। उसी के साथ साथ मेरे आप पीछे देख रहे हो डार्क ब्लूइश कलर में हमने टेक्सचर दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। उसी के साथ साथ मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी फॉल सीलिंग, जो कि काफ़ी अच्छी लुक में दे रखी, स्क्वायर लुक में हमने फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्ट्रिप लाइट का ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है। मेन वॉल पर हमने यहाँ एक LED का जो ट्यूब लाइट्स है वो ऑलरेडी दे रखी है। स्विचेस बोर्ड आपको यहाँ ऑलरेडी दे रखे हैं। आपका बेड यहाँ आता है तो ईजिली आपको एक चार्जिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे हमने अभी पॉइंट दे रखा है। उसी के साथ साथ मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो किंग साइज़ की अलमीरा दे रखी है हमने, नीचे शू रैक हैं, ऊपर ये आपके सारे ड्रॉर्स हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो कितनी स्पेशियस ये ड्रॉर्स हैं, नीचे शू रैक हैं, ये भी मैं दिखा देता हूँ, और ऊपर भी आपको स्टोरेज के लिए मिल जाता है। अपने ब्लैंकेट्स या जो भी वुलन क्लोथ्स हैं, विंटर क्लोथ्स हैं, आप इजीली वहाँ पे रख सकते हो। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक LED पैनल का भी एक आपको ऑप्शन मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छे लुक हमने इसमें माइका यूज़ की है। ऊपर लाइट और नीचे डार्क ग्लोसी लुक में माइका यूज़ की है। स्विचेस ऑलरेडी दे रखे हैं इसमें। रूम के लिए भी रूम यहाँ भी एक स्विचेस बोर्ड ऑलरेडी दे रखा है, फैन, ट्यूबलाइट, स्ट्रिप लाइट के सारे इसमें बटन्स ऑलरेडी दे रखे हैं। मतलब हमारे दोनों ही जो भी रूम्स हैं सबके साथ अटैच वॉशरूम है, तो ये सेकंड वाले के साथ भी हमारा एक अटैच वॉशरूम है। सकते हो ये भी काफ़ी स्पेशियस है, एंड टू एंड लेंटर तक टाइल्स दे रखी है, क्रीमी और लाइट फिनिश में हमने ग्लोसी में टाइल्स दे रखे हैं। शावर पॉइंट ऊपर ऑलरेडी दे रखा है, आप देख सकते हो ठीक मेरे बैक साइड में, इधर लेफ्ट साइड में डाइवर्टर दे रखा है आपको, टैप दोनों दे रखे हैं, ये जलबोर्ड का टैप दे रखा है आपको, बेसिन यहाँ ऑलरेडी दे रखा है,
पॉट भी ऑलरेडी फिटेड है, तो ये भी काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है। मतलब बहुत कम होता है कि मतलब दोनों रूम के साथ अटैच वॉशरूम बहुत ही कम फ्लोर्स में मिलता है, बट हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं दोनों रूम के साथ। अब लेके चलता हूँ मैं अपनी बालकनी में। आई गाइस, आ चुके हैं हम अपनी बालकनी एरिया में, जो कि ये साइज रहने वाला है। दिखा क्या दिखाइए, जो कि ये साइज रहने वाला है 18x3 की हमारी बालकनी है, जो कि काफ़ी स्पेसियस। आप देख सकते हो कितनी लंबी हमारी ये बालकनी रहने वाली है। टैप ऑलरेडी दे रखा है वॉशिंग एरिया के लिए, यहाँ पे गीज़र का पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, स्विचेस वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ ऑलरेडी दे रखी है। रेलिंग देख सकते हो आप कितनी प्यारी और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग दे रखी है, मतलब काफ़ी लंबा स्पेस दे रखा है। आप अपना इसको स्टोर भी बना सकते हो, यहाँ से जाल कवर करके आप यहाँ अपना स्टोर बना सकते हो। एक 50 गज के फ्लोर में इतनी बड़ी बालकनी तो कहीं नहीं मिल सकती आपको, जो कि हम यहाँ आपको दे रहे हैं। सारा फ्लोर का ओवरव्यू देखा मैंने, एक एक चीज़ आपको समझाई, किचन दिखाई आपको, फर्स्ट बेडरूम दिखाया जिसके साथ अटैच वॉशरूम था, सेकंड बेडरूम भी दिखाया उसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, और फॉल सीलिंग के डिज़ाइन दिखाए, LED पैनल दिखाया जिसमें कि आपको किंग साइज़ की अटैच अलमीरा मिल रही है। मैंने एक आपको जो इसके साथ सबसे खास बात है फ्लैट की, जो कि हमारी काफ़ी ह्यूज बालकनी है 18x3 की, इसमें बालकनी हमने दे रखी है आपको, जो कि आप अपना वॉशिंग एरिया और उसके साथ साथ अपना स्टोरेज एरिया भी कवर कर सकते हो। आप लोग जो लोग गुड़गांव या द्वारका कहीं भी जॉब करते हैं, मेट्रो से उनका जॉब लोकेशन है आने जाने का, तो उनके लिए ये फ्लैट बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बिकॉज क्या है कि 2 से 3 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन पर पहुँच कर ईजिली अपनी मेट्रो से अपने ऑफिस स्पेस पर जा सकते हो। आपको कोई ई रिक्शे की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा आप वॉकिंग अपना मेट्रो स्टेशन जा सकते हो। सबसे खास बात ये रहने वाली थी। दूसरा ये है कि इसमें आपको लिफ्ट और कार पार्किंग, जल बोर्ड कनेक्शन, गैस पाइपलाइन ऑलरेडी दे रखी है, एंड नीचे पार्किंग्स में और जो भी हमारी जो मेन एंट्री है गेट की फ्लोर में, जो फ्लैट की एंट्री है, वहाँ पर हमने कैमराज ऑलरेडी दे रखे हैं, जिसमें कि आपको आपकी पार्किंग में आपकी बाइक्स कार्स की पूरी सेफ्टी रहेगी। हमने स्क्रीन ऑलरेडी वहाँ कैमरा लगा रखे हैं, जिससे कि आप अपने फ्लोर से ही अपनी पार्किंग और अपनी जो भी एंट्रेंस है मेन गेट की, वो आप इजीली अपनी यहाँ वीडियो स्क्रीन में आप देख सकते हो, जो कि हम आपको लगा कर दे रहे हैं। आपको अप टू मैक्सिमम लोन करा के देंगे, 90% तक हम इसमें आपको लोन करा कर देंगे। सिर्फ आपको बुकिंग अमाउंट देनी है 21,000 रुपीज़, एंड बाकी का जो 10% देना है वो लोन सेंक्शन होने के बाद देना है, और जो रेस्ट रह जाएगा वो सारा का सारा लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फ्लोर है बहुत ही कम बजट में रहने वाला है। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उससे अच्छा है कि आप अपना ये फ्लोर परचेज करके आप जो रेंट है वो यहाँ अपने फ्लोर के EMI में कन्वर्ट करें, क्योंकि रेंट होता है पराया और EMI होती है अपनी, क्योंकि EMI से कुछ टाइम बाद वो चीज़ हो जाती है अपनी। रेंट तो आप चाहे 10 साल भी रहोगे तो वो आपका अपना नहीं होगा, वो तो एक वेस्ट ऑफ मनी है। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपना फ्लैट परचेज करें, अपनी EMI दें, जिससे कि आपका एक घर बन सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस फ्लोर का जो आपको प्राइस है बताने वाला हूँ। काफ़ी रीजनेबल रहने वाला है लोकेशन के हिसाब से। भगवती गार्डन C8 ब्लॉक, जो ये हमारी बिल्डिंग का एड्रेस है, C8 C ब्लॉक, द्वारका मोड़। प्राइस रहने वाला है गाइस, वो रहने वाला है 23.5 लाख रुपये, 23,51,000 रुपये इसका प्राइस है, जो कि नेगोशिएबल है। आप आइए, विजिट कीजिए हमारे ऑफिस में। डिस्क्रिप्शन में लिंक में हमारा ऑफिस एड्रेस और हमारी सारी डिटेल्स और स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी शो हो रहे हैं। आपको कोई भी क्वेरीज है आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको साइट विजिट के लिए भी हमने नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जिसको सबसे ज़्यादा नीड है हमारी, तो हमारी वीडियो उन तक हमारे आपके थ्रू पहुँच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।